और हमें आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी। और चाहे सरकार किसी की भी बने, हमारी आवाजें बुलंद होंगी। और सरकार बनने के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी चेंज होंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी चेंज होंगे, बीपीएससी के भी अधिकारी चेंज होंगे। और ये दोनों भर्ती प्रक्रिया 1.0 और 2.0 में जांच बैठेगी। और 3.0 की जो कह रहे हैं कि अगर दोस्त, अब आज बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और मैं कह रहा था ना, मैं संदेश जो जताया था वो सारी चीजें अब सामने दिखने रही हैं। और लगातार मैं कह रहा था कि सरकार का आपसी तालमेल सही नहीं है और शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारी जो है वो नीतीश सर के हैं और शिक्षा मंत्री जो है वो आरजेडी के हैं, तो इसमें तालमेल अच्छा नहीं हो रहा था। और तालमेल अच्छा ना होने के पीछे राज था सत्ता परिवर्तन का। सत्ता परिवर्तन अब बिहार में बहुत तेजी से होने जा रहा है। फिर 5 साल में 5 दिखेंगे, यानी 1 मुख्यमंत्री और 5 शपथ, बहुत बड़ी बात है। अब मैसेज के अनुसार लगातार लोगों ने मैसेज किया कि सर क्या बिहार राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाती है और जेडीयू भाजपा मिलकर सरकार बनाती है तो अब ये भर्ती प्रक्रियाएं नहीं आएंगी, आपकी क्या राय है? देखिए, भर्ती प्रक्रियाएं नहीं आएंगी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये भर्ती प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। लेकिन मांग हमारी वही रहेगी कि जो भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुआ है उसकी भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की संभावना अधिक हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ आवाज उठाने वाली भाजपा पार्टी ही थी। अगर भाजपा पार्टी मिलके सरकार बनाती है तो यहाँ पे जांच भी होगी और ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी और दोबारा से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, इसकी संभावना अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे एक भाई है जो कि पीजीटी के भाई है, 11वीं क्लास से 12वीं क्लास के टीचर के लिए उन्होंने आवेदन किया था, पेपर दिया था, और उनका कहना है सर परीक्षा में जो नंबर सेम आ जाए उसके बावजूद अगर सीट खाली रहे, क्या उसके बाद भी डेट ऑफ बर्थ को लेके टाई ब्रेकर रूल लागू रहेगा? बहुत तगड़ा बताने जा रहा हूं, आप समझ लीजिए। पहला सीधा जवाब आपका कि यदि सीट खाली है तो वहां ट्राई ब्रेकर का रूल नहीं होता है, वहां पे आपको सीट देनी है, क्योंकि आप 2-4 सीट ले जाने से फायदा क्या है, वो सीट खाली है तो टाई ब्रेकर नहीं होगा, वहां पे वो पूरी सीट फुलफिल की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई फाइनल एक सीट बचती है और कोई सीट नहीं है और उस पर टाई ब्रेकर लग जाती है, या 10 लास्ट की सीटों पर टाई ब्रेक लग जाती है, तब वहां टाई ब्रेक देखा जाता है। लेकिन आपके अनुसार, आपके मैसेज के अनुसार यहाँ पे आगे सीट खाली है लेकिन उससे पहले ही टाई ब्रेक का नियम लगा के हमको हटाया जा रहा है और दूसरे बच्चे को अंदर किया जा रहा है, वो भी कौन सा टाई ब्रेक है? डेट ऑफ बर्थ के रूल का। पहला चीज कि इस पे आप जाइए सीधा कोर्ट, आपको 100% सफलता मिलेगा, कोई काट नहीं सकता, आपको ज्वाइनिंग होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए एक क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है, और ये जो टाई ब्रेक का नियम है ना, ये हमको जहां तक के लगता है कि ये स्पोर्ट्स से संबंधित व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके जो नेम है उसमें स्पोर्ट्स दर्शा रहा है, तो इससे हम साफ स्पष्ट होता है कि ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है टाई ब्रेक का रूल जो है बीपीएससी को फॉलो करना चाहिए था, जब पहला ही और दूसरा चरण नहीं हुआ तो तीसरा और लास्ट चरण टाई ब्रेक के रूल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपने कहा था कि यदि नंबर सेम हो जाते हैं तो हिंदी में जो नंबर है उसकी भाषा आहर्ता को चेक किया जाएगा, अगर उसमें भी टाई ब्रेक हो जाता है तब आप डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे, तब आप नाम के क्रमांक पे जाएंगे। तो पहला तो था ही नहीं, आपने भाषा को तो शून्य कर दिया। जब भाषा को शून्य कर दिया तो टाई ब्रेक का नियम भी शून्य हो गया, टाई ब्रेक का कोई नियम ही नहीं होना चाहिए, जिसका नंबर बराबर है उसको आप सीटें दीजिए, टाई ब्रेक का तो आपने पहले ही नियम खत्म कर दिया। आप अब कहेंगे कि नहीं, हम भाषा अर्था को नहीं मान किया तो भाषा अर्था के अलावा हम डेट ऑफ बर्थ पे टाई ब्रेक करेंगे, तब ये रूल गलत है। आपको टाई ब्रेक का जो नियम है उसके तहत आपने टाई ब्रेक क्यों नहीं किया, इस पे ये कोर्ट जाएंगे और इनको जीत 100% मिलेगी। सर टाई ब्रेक का पहला नियम था कि अगर विषय में नंबर बराबर हो जाता है तो भाषा अर्था में नंबर देखा जाएगा और उसके अनुसार ही टाई ब्रेक किया जाएगा, तो भाषा तो अर्था आपने जीरो कर दिया, इसलिए ये भी कोर्ट का मामला है, ये भी कोर्ट में जाएंगे और 100% जीतेंगे। आप जाइए, आप जीत जाओगे, बीजेडी सरकार बना लेती है तब क्या होगा? तभी भी वही होगा, क्योंकि आरजेडी का ही
कारण है कि ये भर्तियां आई और आरजेडी के आने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया का विधिवत जांच होगा और इसमें धांधलीकर्ता के ऊपर कार्रवाई भी होगा और उन अधिकारियों को सबको हटाया जाएगा, उस चाहे शिक्षा विभाग में हो चाहे बीपीएससी में बैठे हो, जिन्होंने धांधली करवाया है, जिसकी मांग हम लोग को लंबे समय से थी। और भाजपा अगर सरकार बना लेती है तो भैया भाई साहब का कहना है कि सर अगर भाजपा सरकार बना लेती है तो फिर से हम मंदिरे मंदिर घूमते रहेंगे और 10 मंदिरों को तोड़ के एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा और रोजगार की कोई बात नहीं करेगा। सब भूल चुकेंगे कि हमको रोटी कहाँ से मिलेगा, जब रोटी नहीं होगा तो हम शरीर में ताकत कहाँ आएगी और ताकत नहीं आएगी तो हम धर्म के लिए युद्ध कैसे लड़ेंगे। आपको याद होगा कि अफगानों का युद्ध, मराठों और अफगानों में जो युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा कारण था उनको हारने का ठंडी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था भूख के कारण। पानी पी पी के लोगों ने युद्ध किया और वहां पे जाके आंख के सामने अंधेरा आ गया, थक गए जल्दी, और जिसके कारण युद्ध में हमें हार का सामना करना पड़ा। हमारे भारत वर्ष में आज तक कोई भी युद्ध धर्म के नाम से नहीं लड़ा गया। आप कहेंगे महाभारत, तो महाभारत भी दो भाइयों के बीच का लड़ाई था और धर्म अधर्म की लड़ाई थी, न कि किसी जाति संबंधी धर्म की लड़ाई थी। तो सबसे पहले है रोजगार, धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, धर्म से पहले देश इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको दो पक्ष रखें कि आपके लिए धर्म इंपॉर्टेंट है या देश इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले कहेंगे सर देश इंपॉर्टेंट है, उसके बाद धर्म इंपॉर्टेंट है, और धर्म से पहले अगर कोई आता है तो संविधान इंपॉर्टेंट है। आज हर किसी को सजा संविधान के अनुसार मिलता है, आज हर किसी को न्याय संविधान के अनुसार मिलता है, आज बोलने की आजादी संविधान के अनुसार मिला है, तो हमें संविधान के अनुसार ही रोजगार पे भी बात करना चाहिए। और हमें आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी, और चाहे सरकार किसी की भी बने हमारी आवाजें बुलंद होंगी, और सरकार बनने के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी चेंज होंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी चेंज होंगे, बीपीएससी के भी अधिकारी चेंज होंगे, और ये दोनों भर्ती प्रक्रिया 1.0 और 2.0 में जांच बैठेगी, और 3.0 की जो कह रहे हैं कि अगर भाजपा आ जाएगी तो भर्ती नहीं होगी, तो 100% मेरे को भी चांसेस है कि भाजपा आने के बाद भर्तियां ठप हो जाएंगी, भर्तियां नहीं होंगी, क्योंकि अन्य राज्यों में जहां पे भाजपा है वहां को देखा जा सकता है, वहां पे भर्तियां नहीं हो रही है, तो यहां पे भी भर्तियां होने की संभावना आप 0 मान के चले। लेकिन अगर आरजेडी सरकार बना लेती है, यानी लाल प्रसाद यादव सर की सरकार बन जाती है और शपथ उनके पुत्र देव लेते हैं, तो 100% ये भर्तियां लगातार, इसमें शिक्षा अधिकारी भी हटेंगे, नए अधिकारी बैठेंगे और इसको पूरा विधिवत जांच होगा, हो सकता है भर्ती प्रक्रिया रद्द होकर पुनः इस भर्ती प्रक्रिया को कराया जाए, क्योंकि अभी पूर्णतः पावर में नहीं थे, अब वो पूर्णतः पावर में, मुख्यमंत्री के पावर में रहेंगे। आज देखना बनेगा कि सत्ता किसकी आती है, किसकी सत्ता चेंज होती है। सबसे बड़ा नजर आज सबका इसी पे बना है, मेरे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर आप बताएं सत्ता किसकी बन सकती है। तो देखिए हम लोग सत्ताधारी नहीं है, हम लोग चुनाव के नतीजों में नहीं जाते, चुनाव कहां से होगा उसके बारे में जानते। और एक और भाई ने क्वेश्चन किया, उसका भी मैं क्लिप लगा दूंगा, उन्होंने किया है कि सर वोट के दौरान लोग पार्टी सोचते हैं, पार्टी मतलब हम लोग जो पार्टी सोच रहे हैं, चुनाव वाली पार्टी नहीं, वो पार्टी यानी अपनी खुशी एक दिन के लिए, जी हाँ ये सच्चाई है, अपनी खुशी सोचते हैं और उसमें लिखा हुआ है कुछ रकम, रकम का नाम नहीं ले सकता हूं, ये लेके अपनी पार्टी मनाने की खुशी में लोग अपना हक और अधिकार खो देते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, देखिए सूचनाओं के मुताबिक मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा कुछ बिहार में हो रहा तो जगना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपको बोलने बैठने उठने का अधिकार किसने दिया, उसके प्रति जागिए। आज आप देख रहे हैं कि अगर आपके कास्ट के या अन्य लोग अगर कहीं भी पार्टी में बने हुए हैं या पार्टी उनकी बनी हुई है, तो अधिकार किसने दिया, आज उनका देन है कि ये लोग पार्टी में हैं और आज जाके ऐसे व्यक्ति के शरण में बैठे हैं जो आपके खिलाफत काम करने का काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार से मारा जा रहा है, हर चीज से। तो जगना पड़ेगा, हर किसी को जानना पड़ेगा हमें रोजगार कौन देगा, हमें सरकार को जगाना है, हमें प्रेरित करना है कि हमें रोजगार दोगे और सही तरीके से भर्ती दोगे और सही तरीके से भर्ती क्लियर कराओगे तो हमारा वोट तुम्हारे लिए जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में तो अब 100%
चाहे दाएं जाओ तो चाहे बाएं जाओ तो जीत शिक्षकों की होगी, और जब तक शिक्षकों की जीत नहीं होगी लड़ाई जारी है, और बाकी कोर्ट से तो हमारी जीत होनी है, ये तो तय है, कोर्ट से भाषा अर्थता को लेके जीत होनी है। आप नोट कर लो कहीं, आज डेट नोट कर लो, 26 जनवरी है, और 26 जनवरी को मैं ये घोषणा करता हूं कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग की जीत तय है, और भाषा अर्थता के अनुसार ही या तो रिजल्ट आएगा या तो हो सकता है उर्दू और बांग्ला तथा लेट पेपर के कारण भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए। तो सवाल तो बहुत है। इसके अलावा जो आपने पूरे सीटों पर रिजल्ट नहीं निकाला, ये भी एक पॉइंट है। तो क्वेश्चन बहुत है, सरकार किसकी, आप बताएं आप किसकी सरकार चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाइए बताइए कि सरकार आप किसकी चाहते हैं, और कौन सरकार युवाओं के लिए अच्छा कार्य कर सकती है। मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं किसी सरकार के बारे में कोई कमेंट्स कर सकता हूं, मेरे को बस शिक्षा और शिक्षक दोनों इंपॉर्टेंट है, और इनका फायदा कहां से है, किन से है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए कि किस सरकार के बनने से हमें अपने शिक्षकों को फायदा मिल सकता है। तो उस पे विचार हम भी रखेंगे कि क्या पता कि उस सरकार बन जाए और हमने उसके बारे में अच्छी विचार रखे तो वो सरकार हम लोगों से खुश होके और हमारे लिए कार्य करे, क्योंकि हर एक सरकार को ये पता है कि अगर उसको जीतना है तो शिक्षकों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति हैं जो नए युवाओं और जनता तथा उनके माँ बाप से मिलने का कार्य करते हैं तथा एक अच्छी समझौता के साथ पूरे समाज में एक स्थिरता को फैलाते हैं, और उनके द्वारा किए गए प्रचार को इस सत्य मान के उसी व्यक्ति को वोट दिया जाता है। तो वोट उसी का जो नोट नहीं देगा, वोट उसी का जो शिक्षा का अधिकार देगा, जो नौकरी देगा, जो रोजगार देगा, जो सम्मान देगा। जय हिंद, जय भारत।